हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। जो हमारी क्लास चल रही है, ये वाले लेक्चर्स चल रहे हैं, वो हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि बुद्धि। उससे इससे पहले वाली दो क्लासेस में मैंने आपको डेफिनेशन, उसके बाद आईक्यू लेवल कैसे टेस्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और किसने दिया है, देन उसके बाद एक हमने टेबल डिस्कस की थी जिसके अंदर आईक्यू लेवल थे, डिफरेंट टाइप ऑफ आईक्यू लेवल्स, और वो किस स्तर पे, किस स्टेज पे बच्चे को रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग टू आईक्यू लेवल। और उसके बाद हमने तीन फैक्टर्स और उसके तीन थ्योरीज पढ़ ली है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी, उसका सेकंड नाम भी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में, जब मैंने आपके साथ ग्रुप फैक्टर थ्योरी डिस्कस की थी, तो उसका जो सेकंड नाम बताया था वो क्या होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या है। एंड सेकेंड, कि जो हमने सेकेंड थ्योरी पढ़ी थी, टू फैक्टर थ्योरी, उसके अंदर जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जी फैक्टर एंड एस फैक्टर क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या है और वो किस स्टेज में यूज़ किए जाते हैं, वो चीज़ आपको बतानी है। देन आज का लेक्चर हमारा है मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैंने वो 10 फैक्ट्स साइकोलॉजी के आपके साथ डिस्कस किए थे, कि उसके अंदर एक होता है हमारा मल्टी फैक्टर थ्योरी, एक होता है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, तो दोनों डिफरेंट है। ये वाली जो हमारी है मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये आपकी थ्रॉनडाइक ने दी है। ये किसके द्वारा दी गई है, आपकी थ्रॉनडाइक के द्वारा। इसके प्रतिपादक हमारे थ्रॉनडाइक हैं। अब इन्होंने, थ्रॉनडाइक ने जब इंटेलिजेंस पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अपने जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे थ्रॉनडाइक, इसके साथ जब इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो इन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी क्यों कहा, क्योंकि बहुकारक सिद्धांत इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। एक फैक्टर के साथ बाकी और फैक्टर्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए थे कि बच्चे को किस प्रकार से टीचिंग करानी चाहिए, कि उसको ये वाले फैक्ट्स उसके लिए रिवाइज हो जाए। तो उसके अंदर इन्होंने तीन पॉइंट्स रखे थे, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्तर। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है स्तर, यानी कि लेवल। थ्रॉनडाइक ने क्या कहा था कि किसी विशेष कठिनाई स्तर तक के कितने कार्य कर सकता है बच्चा, वो चीज़ रखी थी कि बच्चे का स्तर कितना है, कितनी कठिनाई उसे, जो अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम मैंने बच्चे को दे दिया, तो ज़रूरी नहीं कि जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पा रही हूँ वो कोई और भी कर पाए, या फिर कोई और जो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वो मैं भी कर पाऊँ। सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, सबकी मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होती है, तो मैं अपनी आईक्यू लेवल के हिसाब से उसको शॉर्ट आउट करूँगी और कोई अपनी आईक्यू लेवल के हिसाब से उसको शॉर्ट आउट करेगा। अगर मेरे सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आईक्यू लेवल 7 और 79 का नॉर्मल है, और मेरे सामने कोई सुपीरियर बच्चे या फिर जो जीनियस बच्चों वाली प्रॉब्लम है वो आ गई, तो मुझे क्या पता उसको मैं ना सॉल्व कर पाऊँ। अगर सॉल्व भी कर पाऊँ तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाए मुझे, इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ वहाँ पे फेस करने को मुझे मिलेगी। और ऐसे ही जो डल बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि उनको कोई नॉर्मल प्रॉब्लम दी जाए तो वो भी उसको थोड़े टाइम के लिए ना सॉल्व कर पाए और उनको थोड़ा उसमें टाइम लगे। तो इसीलिए स्तर के अंदर ये चीज़ रखी गई है कि बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें देनी चाहिए। पहले आपको उसका अगर आईक्यू लेवल पता है, उसकी मेंटल एज पता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे को उसका काम दे सकते हैं कि किस कठिनाई स्तर पर, मतलब कौन सी प्रॉब्लम स्टेज पर बच्चा किस हद तक कोई चीज़ को सॉल्व कर सकता है। सेकेंड इसके अंदर पॉइंट आता है पारस सीमा या फिर रेंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। इसमें क्या बोला था कि कार्यों की उस विभिन्नता से है जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति हल कर सकता है। अब आपको पता है एक प्रॉब्लम है, उसके डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। तो अगर मेरे साथ ऐसा है कि मेरा आईक्यू लेवल नॉर्मल है, या मैं नॉर्मल 70 और 79 वाली उसमें आईक्यू लेवल में आती हूँ, तो एक ही प्रॉब्लम के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं,
मैं दो स्टेज तक जा सकती हूँ, उस तक सॉल्व कर सकती हूँ। और जो बच्चा जीनियस है, जो ज़्यादा क्रिएटिव है, एडवांस है, सुपीरियर है, वेरी सुपीरियर स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या है, वो अगर उसके 5 स्टेजेस हैं तो वो पूरे 5 स्टेजेस तक जा सकते हैं। आपने इंटरव्यू देखा होगा, अगर इंटरव्यूज़ होते हैं किसी के, पर्सनल इंटरव्यूज़ ग्रुप में ले लेते हैं हम या वैसे कुछ भी, तो आपने देखा है एक जब आफ्टर ट्वेल्थ आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं, MNCs होती हैं, तो उसमें पैनल डिसाइडेड होते हैं। उसमें क्या है, सर्कल और स्टेजेस डिसाइड की जाती है, एक पैनल होते हैं कि फर्स्ट पैनल पे आपको केवल फेसिंग इंटरव्यू देना है, सेकंड में आपके लिए वो कोई रिटन एग्ज़ाम रख देते हैं, थर्ड में कोई डिस्कशन मेथड रख देते हैं। तो इस हिसाब से जो पैनल डिवाइडेड होते हैं हमारे पर स्टेज के हिसाब से, तो वो भी क्या है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जिससे हमें पता रहे कि कौन से बच्चे की कितनी मेंटल एबिलिटी है और वो कितनी स्टेजेस को, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस हैं, किनको अचीव कर सकता है और किनको नहीं। मेरे हिसाब से जैसे मेरा नॉर्मल है, तो अगर मेरे को किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है, तो क्या पता फर्स्ट थ्रू 3 मैं अचीव कर लूँ, लेकिन लास्ट में फेल हो जाऊँ, बाहर आ जाऊँ इंटरव्यू से। ऐसे ही जो जीनियस बच्चे हैं वो क्या पता सारे जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको क्रॉस करके और वो जॉब अचीव कर लें। तो इसीलिए हमें बच्चे की रेंज के अकॉर्डिंग कोई चीज़ रखनी चाहिए, विभिन्नता के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है क्षेत्र, थर्ड पॉइंट क्या है, क्षेत्र, थर्ड पॉइंट है हमारा क्षेत्र, यानी कि एरिया। एरिया डिवाइडेड होता है कि कुल संख्याओं से है जिसे हम हल कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीज़ रखी गई है कि बच्चे की कुल संख्याओं से है, एरिया से है कि बच्चा कितने हद तक कोई चीज़ कर सकता है, किस रेंज से, सॉरी रेंज नहीं, किस एरिया तक कोई चीज़ कर सकता है। जैसे हर चीज़ के स्कोप्स होते हैं ना, एक एरिया डिवाइड होता है कि इस वाली चीज़ का ये इतना इतना एरिया सीमित है, इतना एरिया सीमित है, तो वो बच्चा कर सकता है या नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग अगर हमने रख दी, मान लीजिए 15, तो उसकी क्या है, मैंने एक एरिया डिसाइड कर दिया कि इस एरिया के कॉन्सेप्ट्स को मुझे कवर करना है और इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 15 है। तो अब मुझे ये देखना है कि वो जो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है हर क्वेश्चन के हिसाब से, वो बच्चा किस हद तक अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, क्षेत्र में हमारा, एरिया में, कि बच्चे का कुल संख्याओं का योग देखना है कि वो किस हद तक किसी चीज़ को हल कर सकता है। अब आ गया आपका डी पॉइंट, गति, यानी कि स्पीड। इसके अंदर आपको पता चल रहा है गति से ही, स्पीड से ही, कि स्पीड किस हिसाब से है बच्चे की, नॉर्मल है, बिल्कुल नहीं है, या कर सकता है या बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन सेट करने पड़ते हैं, अपना कंटेंट रेडी करना पड़ता है और बाकी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, मान लीजिए मैंने अपना कंटेंट इस हिसाब से रेडी किया जितना मेरा मेंटल एबिलिटी है, जितना मुझे समझ आता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं वही चीज़ छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो उनकी गति तो वहाँ पे स्लो हो जाएगी ना, बहुत उनकी स्पीड तो स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही नहीं है, वो तो मेरी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग है, तो उनको क्या होगा कि उनको सीखने में टाइम लगेगा या वो नहीं भी सीख पाएंगे। तो इसीलिए इसमें क्या है, बच्चों की गति देखी जाती है, स्पीड देखी जाती है कि वो किसी चीज़ को कितने अच्छे से सीख रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है उनके सामने जिनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, बच्चे खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। छोटा सा थ्योरी थी, इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसकी है, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थ्रॉनडाइक ने दिया है, ठीक है। और इसमें 4 स्टेप्स दिए गए हैं, मेनली जो इसमें क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, हमारे थ्रॉनडाइक जी के द्वारा, और उन्होंने कितनी लेवल में इसको डिवाइड किया है। तो इसमें 4 लेवल्स में डिवाइड किया है, पहला स्तर हो गया, देन रेंज हो गई आपकी सीमा, और उसके बाद क्षेत्र यानी कि एरिया, और गति यानी कि स्पीड। ठीक है, ये 3 या 4 पॉइंट है इसमें, ये नोट कर लीजिए। और मैंने 2 क्वेश्चंस आपके अंदर इस वीडियो से पूछे हैं, जो पहले वाली वीडियो के थ्रू मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसके रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट सेशन में करके बताइएगा। ठीक है, इसके बाद अभी मैं एक और थ्योरी इसी में स्टार्ट कर रही हूँ, 2nd थ्योरी है इसी के साथ। इसके बाद ये वाली थ्योरी आती है हमारी, ऑर्थर जॉनसन का बुद्धि सिद्धांत।
इसके अंदर हमने अभी इससे पहले वाली जो थ्रोंडाइक की थ्योरी पढ़ी है, मल्टी थ्योरी वाली थ्रोंडाइक की बहुकारक सिद्धांत, उसके बाद ये है, छोटी सी है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस थ्योरी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको टू की पॉइंट्स दिए गए थे इसमें। एक पहला है प्रथम स्तर, सेकंड है द्वितीय स्तर, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। ठीक है, फर्स्ट लेवल के अंदर क्या पॉइंट्स रखे थे? फर्स्ट लेवल में कहा था कि जो भी बच्चा इंटेलिजेंस यानी कि अपने मेंटल एबिलिटी के थ्रू सीखता है, ये बात हमारे ऑर्थर जेनसन ने कहा था कि जो भी बच्चा अपने मेंटल एबिलिटी के थ्रू सीखता है फर्स्ट स्टेप में, उसके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ होती हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ होती हैं। वो कैसे कहा था कि इनपुट और आउटपुट क्यों होता है? क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब लर्न करते हैं, कुछ चीज़ सीखते हैं, तो कई कंडीशंस में अगर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, समझाया गया है, या हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है वो चीज़, हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उसमें, कुछ ना कुछ न्यू एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया गया है। जैसे छोटे बच्चों को हमें मोस्टली क्या है, एक्टिविटीज़ प्लेवे मेथड्स के थ्रू पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी सीटिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है और इतनी ज़्यादा लेक्चरिंग नहीं कर पाते हैं वो गेन। तो क्या होता है कि सिटिंग पावर ज़्यादा ना होने के कारण वो एक जगह बैठ नहीं सकते कि आपके 10 घंटे तक कोई लेक्चर सुन सके, एक घंटे तक आपको बियर कर सके। तो इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि छोटे बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू यानी कि खेल खेल के द्वारा सिखा सके। उसमें क्या होता है, बच्चे इंजॉय भी करते हैं, बच्चे छोटे बच्चे के एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, तो इसीलिए उस स्टेज पे बच्चों को अगर हम एक्टिविटी या प्लेवे मेथड के थ्रू सिखाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चा खेल खेल में ही बहुत सारी चीज़ें लर्न कर लेता है। जैसे हम बच्चे को बोर्ड कार्ड्स के थ्रू या फिर प्लेवे ग्राउंड्स में ले जाके काउंटिंग्स और अपनी टेबल्स वगैरह ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सुन के क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला था कि प्रथम स्तर में इनपुट और आउटपुट क्यों होता है, कि अगर कोई चीज़ आपने बच्चे के कंटेंट के लिए या बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कोई चीज़ इस प्रकार रखी है या समझाई है कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, तो बच्चे के अंदर वो इनपुट में ही आएगी। ठीक है, मतलब बच्चा उसको सीख जाएगा, अपनी स्मृति यानी कि मेमोरी में उसको रख लेगा। अगर जब टाइम पे जब आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी या फिर आपके एग्जाम्स होंगे तो आप उसको अपने माइंड की एबिलिटी के थ्रू रिकॉल करके उसके आंसर्स दे सकते हो। लेकिन दूसरी कंडीशन हो गई आउटपुट। दूसरी कंडीशन आउटपुट में क्या बोला था कि अगर कोई चीज़ बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है या बच्चा समझ ही नहीं रहा है, उसको वो चीज़ पढ़नी ही नहीं है, या पढ़ाने में जैसे टीचर ने कोई क्रिएटिव चीज़ या एक्टिविटी को इन्वॉल्व नहीं किया है, बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाई है, तो उसमें क्या होगा, वो आउटपुट मेमोरी में चली जाएगी। वहाँ पे वो चीज़ उसको ना तो रिमाइंड होगी और ना टाइम आने में वो रिकॉल करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी टेम्परेरी नॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाती है, परमानेंट नॉलेज में ट्रांसफ़र नहीं होती है। और टेम्परेरी नॉलेज जो होती है वो आपकी कुछ मिनट या कुछ घंटों की होती है। जैसे ही आप दूसरी एक्टिविटी करेंगे या कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो वो जो आपकी फर्स्ट टेम्परेरी वाली मेमोरीज हैं वो इरेज हो जाएंगी, तो आपकी परमानेंट नॉलेज में वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसीलिए हमेशा ऐसा कंटेंट या ऐसी स्टडीज़ मटेरियल रखिए बच्चों के लिए ताकि वो इनपुट ही रहे, आउटपुट ना हो। ट्राई करो कि इनपुट ही हो, आउटपुट ना हो। लेकिन फर्स्ट वाले स्तर में दोनों चीज़ें बच्चों के लिए रखी गई हैं कि अगर उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है तो इनपुट भी हो सकता है और वो आउटपुट भी हो सकता है। और सेकंड चीज़, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, वो पढ़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो बच्चे क्या है, अपना बीच में इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। तो स्टार्टिंग के पॉइंट्स वो गेन कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, लेकिन बाद के पॉइंट्स को वो याद नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए वो चीज़ क्या होगी, उनके टेम्परेरी नॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगी और आगे वाली जो चीज़ उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझी है वो वाली उनकी परमानेंट नॉलेज में हो जाएगी। तो आधी क्या हुई,
वो इनपुट हो गया और बाकी जो हाफ बची थी वो आउटपुट मेमोरी में चला गया। ठीक है, ये दो चीज़ें प्रथम स्तर में रखी थी। द्वितीय स्तर में यानी कि सेकेंड लेवल में क्या कहा था कि कॉग्निटिव यानी कि संज्ञात्मक क्षमताओं के ऊपर ध्यान देना है। सेकेंड में रखा था कॉग्निटिव लेवल, बच्चे की कॉग्निटिव यानी कि मानसिक क्षमता है या फिर उसकी जितनी भी संज्ञात्मक क्षमताएं हैं जिसके अंदर वो आउटपुट नहीं इनपुट करता है, केवल इसके अंदर इनपुट पे जोर दिया गया था कि केवल इनपुट की गई चीजें। ओके, तो द्वितीय स्तर में क्या बोला था आर्थर जेनसन ने कि सेकेंड लेवल पे बच्चों को इस हिसाब से पढ़ाया जाए जो उनके कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग हो, जो उनकी मानसिक क्रियाओं के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि आपने किसी 8th क्लास के बच्चे को पढ़ाना है तो आप 8th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही रखोगे, उसका जितना मेंटल एबिलिटी है, जितना उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है अब तक 8th क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग आप उतना ही कंटेंट रखोगे, उतना ही टाइम पीरियड रखोगे और बाकी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी ऐसे ही रखोगे कि ज़्यादा ना ईजी हो ना ज़्यादा टफ लेवल के हो, ताकि वो उनको अपने कॉग्निटिव लेवल में जो उसका आगे का डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे उसको अचीव कर सके, गेन कर सके। अगर आप उस कंडीशन में 8th क्लास के बच्चे के लिए 10th क्लास के अकॉर्डिंग का लेवल सेट कर दोगे, वहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न, नंबर ऑफ़ क्वेश्चनिंग, नंबर ऑफ़ टाइमिंग, ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ा दोगे कि 8th क्लास के बच्चे की जगह वो 10th क्लास में हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ भी इनपुट नहीं होगा, वहाँ पे सब कुछ आउटपुट में चला जाएगा क्योंकि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही नहीं है वो चीज़। तो संज्ञानात्मक क्रियाएँ यानी कि कॉग्निटिव और बाकी चीज़ें मानसिक क्रियाओं के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। ठीक है, ये वाली थ्योरी भी आपकी ख़त्म हो गई। यहाँ पे आर्थर जेनसन का बुद्धि सिद्धांत, इसमें दो स्तर दिए गए थे, फर्स्ट में इनपुट आउटपुट रखा था, सेकंड में इनपुट और कॉग्निटिव आपका सिर्फ दो चीज़ रखी गई थी। मेनली आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कि हमें संज्ञात्मक क्रियाओं के अकॉर्डिंग ही मानसिक क्रियाओं के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसके बाद एक छोटी सी और है, वो भी मैं आपको इसी में करवा देती हूँ। इसके बाद हमारे ये वाली थ्योरी आती है प्रतिदर्शन सिद्धांत यानी कि सैम्पलिंग थ्योरी। इसके अंदर जो सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट रखा गया है यानी कि की पॉइंट बनता है आपका फर्स्ट सैम्पल, सेकंड ये वाली थ्योरी आपकी किसकी दी है, दी है किसने, थॉमसन ने। ठीक है, प्रतिदर्शन सिद्धांत आपका किसके द्वारा दिया गया है, थॉमसन जी के द्वारा। और इसमें की पॉइंट इसका क्या मेन महत्व रखा गया है, मुद्दा क्या उठाया था इसमें, सैंपल, सैंपल किस प्रकार से रखा गया है कि सैंपलिंग थ्योरी इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग थॉमसन जी ने कहा है कि बच्चे के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसका जो माइंड है, हम जब कोई भी चीज़ सीखते हैं सबकी कोई भी चीज़ सीखी गई सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ उसके स्किल्स अलग हैं, आपको गाड़ी चलाना सीखना है उसके स्किल्स अलग हैं, आपको कंप्यूटर चलाना सीखना है उसके स्किल्स अलग हैं, और अगर आपको लाइक एरोप्लेन चलाना सीखना है तो उसके स्किल्स आपके अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट्स रखे, तीनों के स्किल्स क्या थे, अलग अलग थे। तो आप लास्ट में जाके क्या करेंगे, अगर आपको तीनों से रिलेटेड कोई ऐसी कॉमन चीज़ सीखनी है जिसमें आपका तीनों का यूज़ हो, तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या है सबसे उठा लोगे। जो भी हमने तीन चीज़ें सीखी और एक हम कॉमन चीज़ सीखना चाह रहे हैं जो उसमें कॉमन हो, तो हम थोड़ा सा पार्ट इसमें से ले लेंगे, थोड़ा सा इसमें से, थोड़ा सा इसमें से, देन हम ये वाली फोर चीज़ न्यू सीख सकते हैं। बच्चों के अकॉर्डिंग मिस थॉमसन जी ने इस सैम्पलिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा था कि आप बच्चे को ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाइए, ऐसी चीज़ें पढ़ाइए ताकि वो दो सब्जेक्ट्स को या बाकी सब्जेक्ट्स को जिसमें कुछ चीज़ें कॉमन हो उनको कोरिलेट करके पढ़ सके, ताकि विभिन्नता को उनकी डिफरेंसेस को उठाकर एक न्यू चीज़ में डेवलप कर सके। अगर किसी बच्चे को टू की टेबल सिखानी है, नहीं सॉरी कोई और एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी बच्चे को आपको बोर्ड मास सिखाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सिखाना है किसी बच्चे को कि बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, तो बच्चे को बोर्ड मास कब सिखाएंगे आप, जब पहले बच्चे को
प्लस पता होगा, माइनस पता होगा, मल्टीप्लाई पता होगा, डिवाइड पता होगा, ये चीज़ें पता होंगी तभी तो आप बोर्ड मास पढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, बोर्ड मास पढ़ाने के कॉन्सेप्ट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के कॉन्सेप्ट्स का छोटा छोटा पार्ट उठा के उसको इंक्लूड करके बोर्ड मास टीचर अपने बच्चे को सिखा सकता है। वहाँ पे हमारी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज में ट्रांसफ़र किया गया है, तो इसीलिए बच्चे ने अपना प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कब सीखा होगा, वो जब प्राइमरी क्लासेस में होगा, फर्स्ट सेकेंड क्लास में, थर्ड फोर्थ क्लास में उसने तब सीखा होगा। और आपके बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट्स कब आते हैं, ज़्यादातर सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास में आते हैं। तो इसीलिए तो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कहाँ पे काम आ रही है, अब सिक्स्थ क्लास में काम आ रही है, जब उसको बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इससे आपको पता चल गया कि आपने उसके प्रीवियस नॉलेज को क्या है, न्यू नॉलेज में ट्रांसफ़र करने के लिए ये वाली थ्योरी दी गई है कि सैम्पलिंग थ्योरी बोल दिया गया है इसको, कि छोटे छोटे सैम्पल्स जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे ना उनको उठा के एक कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करके आपको न्यू लर्निंग करनी है वहाँ पे। ओके, इस वाली थ्योरी में ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि प्रतिदर्शन सिद्धांत आपका किसका है, थॉमसन का, और सैंपल से मीनिंग आपका क्या है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सैंपल का मीनिंग बताइए, तो जो आपके अर्लियर एक्सपीरियंसेस हैं उनको न्यू नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ती है। ठीक है, अर्लियर एक्सपीरियंस को, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको वहाँ पे सैंपल्स उठाने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स उठाने पड़ते हैं, एक न्यू चीज़ डेवलप करने के लिए अपने माइंड में। ओके, तो अभी ये फिनिश होता है यहाँ पे ये वाला लेक्चर। इसके बाद जो बाकी हमारी थ्योरीज रह गई हैं, फैक्टर्स रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी। थैंक यू।